वॉचिंग ईजी लाइफ विद अंकल। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 11 बजे का टाइम है और मैंने मॉर्निंग का मतलब जो ब्रेकफास्ट तक का काम है वो हो गया है और ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो चुका है। अब बनाऊंगी मैं लंच और यहाँ पे मेरा छोटू बेटा क्या कर रहा है आप लोग को दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं खोल रही हूँ। क्या खोल रही हो? आलू खोल रहा हूँ। आलू खोल रही हो? आलू। आलू इसके अंदर क्या है? ये क्या है आप बताओ? अंदर क्या है? इसमें क्या है? नहीं, ये क्या है? बिंदी है। बिंदी नहीं है, ये सोप है। लौकी है। सोप है, सोप। सो फ्रेंड्स, अभी सामान मैंने मंगाया था, एक्चुअली कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो सामान मंगाया हुआ था और वो सामान मैंने अभी मतलब रखा हुआ था उस कमरे में, बट ये उसमें से उठा के लेके आ गया है सो अपना खेलने के लिए। सो बच्चे खिलौ टॉयस से कहाँ खेलते हैं आजकल? बच्चे टॉयस से नहीं खेलते बल्कि इधर उधर के जितने सामान होते हैं उनसे ही खेलते हैं। खोल रहे सो टीवी की आवाज़ खोल देती हूँ। एक्चुअली टीवी जब तक इसकी ऑन नहीं होगी ना, ये कुछ भी करता रहे बस इसको टीवी पूरे टाइम ऑन चाहिए होती है। सो फ्रेंड्स, ये वो सामान है जो मैंने मंगाया था, एक्चुअली ख़त्म हो गई थी कुछ चीज़ें तो वो सब मंगाई हुई थी, जैसे कि मेथी दाना ख़त्म हो गया था तो इसको मंगाया, दही और विम वगैरह मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बीच बीच में कभी ख़त्म हो जाती हैं तो उनको तुरंत का तुरंत ही मैं मंगा लेती हूँ और इसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच में कढ़ी। तो कढ़ी के लिए बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घोल बना लिया है बेसन का, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा नहीं डाला, एक्चुअली ज़ीरा नहीं डाला मैंने, इसमें हींग और नमक डाला है और इसके बाद इसको अच्छे से फेंट लिया है एंड इसके बाद इसकी हम यहाँ पर छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कढ़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे, एक्चुअली कढ़ी बहुत पसंद है, कढ़ी और चावल। सो आज मेरा मन था बनाने का तो मैंने आज सोचा चलिए बना लेते हैं आज कढ़ी। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर उसी तेल में मतलब पकौड़े मेरे फ्राई हो गए हैं तो उसी तेल पे मैं मतलब तेल थोड़ा सा मैंने कम कर लिया है, उसके बाद ज़ीरा और हींग डाल दिया, देन उसके बाद इस तरह का घोल मैंने तैयार किया था जिसमें दही था, साथ ही साथ हल्दी, धनिया पाउडर और ये सारे मसाले मिक्स करके ही ये पूरा पेस्ट मतलब घोल मैंने तैयार किया था। इसमें सारे मसाले हैं, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली, देन उसके बाद इसको इस तरह से सीधे डाल दिया है और इसको अच्छे से मतलब चलाते रहना है, अगर छोड़ देंगे तो जब तक बॉयल नहीं है तब तक इसको बिल्कुल चलाते रहना है नहीं तो ये फट जाएगी कढ़ी। एंड इसके बाद जब इसमें बॉयल आने लगेगा देन इसके बाद इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ ऐड करी हैं एंड इसके बाद सॉल्ट को ऐड करेंगे और इसको धीमी गैस में लगभग आधे घंटे पकाती हूँ मैं, तो टाइम देख के आधे घंटे पकाती हूँ कढ़ी को और जितने अच्छे से ये अच्छे से पक जाती है, मतलब खूब देर तक इसको पकाना पड़ता है धीमी गैस में, धीरे 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 जब पकती है तो उसके बाद जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं एग्जैक्ट आधे घंटे का टाइम लगाती हूँ देख के घड़ी पे कि आधे घंटे छौंकने के बाद से आधे घंटे वो धीमी धीमी पकेगी, देन मेरी कढ़ी तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ परवल आलू की सूखी सब्ज़ी और आजकल खाने में प्याज व्याज नहीं पड़ रहा है, बिना प्याज लहसुन का खाना है क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं घर में तो प्याज लहसुन इस टाइम बिल्कुल भी नहीं बनाती मैं और यहाँ पर सादा टमाटर के साथ सारा खाना बनता है। सो यहाँ पर पहले मैंने थोड़े से ऑयल में इसको इस तरह से ढक के पका लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके और ताकि जल्दी से ये सब्ज़ियाँ जो हैं गल जाएं एंड इसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी और इस तरह से बना के देखिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। इस तरह से ना ही बहुत ज़्यादा इसको मैंने ऑयल ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है कि फ्राई किया हो बिल्कुल, बट टेस्ट इसका जो आता है वो बिल्कुल वैसी ही सब्ज़ी बनती है जैसे फ्राई करके जैसे हलवाई लोग बनाते हैं, तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मेरे घर में सबको और मुझे भी बहुत पसंद है।
सो इसके बाद उसी तेल में थोड़ा सा जो तेल बचा था उसी में ज़ीरा और हींग डाल के मैंने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया है। इसमें टोमेटो है और साथ ही ग्रीन चिली, दोनों मैंने चीज़ पीस ली थी, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। एंड उसके बाद इसमें वही बेसिक से हमारे जो मसाले हैं वो जाएंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही साथ किचन किंग या मीट मसाला, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो मसाले तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मसाला पक जाए। सॉल्ट डालने से मसाला जो है थोड़ा जल्दी से पक जाता है, और इस तरह से मैं सॉल्ट हमेशा मसाले में ही ऐड कर देती हूँ। और साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने पहले थोड़ा सा सब्ज़ी में सॉल्ट ऐड किया था, तो उसी हिसाब से अपने आप मार्जिन बना के ही बनाएं। एंड यहाँ पर बस मैंने चढ़ा दी है अपनी सब्ज़ी, साथ ही साथ दूध दिया गया था तो वो भी चढ़ा दिया है, और टाइम हो गया था लंच का तो थोड़ा सा जल्दी में थी मैं, तो फटाफट से मैंने दूसरी साइड रोटी भी बना ली। मैं नीचे से आई हूँ, कपड़े पड़े हुए थे मुझे पता ही नहीं चला, और एकदम से तेज़ी से बारिश होने लगी, तो फिर मैं कपड़े उठाए और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है एकदम से, बहुत गर्मी हो रही थी बट अब ठीक है। और सो फ्रेंड्स, ऊपर से मौसम का अच्छा सा मज़ा लेके फिर मैं नीचे आ गई अपने काम करने के लिए, क्योंकि काम पड़े हुए थे। तो फिर मैं नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई शाम की, और रूम वगैरह मैंने ठीक कर ही दिया था पहले, एंड इसके बाद यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा के बस इवनिंग का काम मेरा जो होगा, चाय वगैरह मेरी बन चुकी है पहले ही, सो इसके बाद यहाँ पर बस ये काम करूँगी। इसके बाद फिर तैयारी करनी है मुझे, एक्चुअली आज हस्बैंड को भी जाना है, तो उनके जाने के लिए मुझे डिनर जो है थोड़ा सा जल्दी ही आज बनाना है। और यहाँ पर ये डिनर मैंने बना दिया है, सो डिनर में बनाई थी एक बढ़िया सी दम आलू की सब्ज़ी, बिना प्याज की है ये भी, और बस साथ में सूत फेनी टेस्टी सी और पूड़ियाँ। सो ये था आज का हमारा डिनर। भैया क्यों मारे उसको? वो ज्यादा। बैठ जाओ, बैठो ना, फिर चोट लगी है तो नहीं हो रहा। क्यों कर रहे नहीं। इवनिंग का टाइम है, लगभग बज गए हैं 7:30 हो रहा है, और जो आज का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहा, क्योंकि आज अभी लगा तो है माशा। सो फ्रेंड्स, आज जो है सुबह सुबह ही मेरे बेटे को चोट लग गया, पेरेंट्स मीटिंग, एक्चुअली आज उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो बाबा के साथ जा रहा था, बट गेट के बाहर निकलते ही थोड़ी सी दूर में इसको गिर गया और इसको आ गई काफ़ी सारी चोट। तो कहाँ दिखाओ, बहुत सारा चोट आया है। ये पाउडर लगाया है मैंने।
और इधर साइड भी बहुत ज़्यादा इसको चोट आया है और काफ़ी पेन है। पेन था तो अभी नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स अभी पेन नहीं हो रहा है उसको, हाँ तो पर काफ़ी चोट आ गई है एंड थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, लगी है ताज़ी ताज़ी तो ऐसे ही रहेगा बट। और आज हस्बैंड को भी जाना है आउट ऑफ स्टेशन, वो जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए, तो वो अभी निकलने वाले हैं अभी थोड़ी सी देर बाद। तो डिनर वगैरह मैंने बना दिया है जो उनको उनके लिए भी हो जाएगा और हम लोगों के लिए भी हो जाएगा। सो डिनर में मैंने जो बनाया है वो भी आपको दिखाई दिया कि मैंने क्या बनाया है। सो एंड आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और क्या बता रही थी, कुछ बताने जा रही थी, भूल गई। बाय 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 बाय।